वही मामला जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंदर 2016 के अंदर एक पब्लिक नोटिस निकाला गया था, जिसके अंदर एक जानकारी दी गई थी कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत जितने भी होटल, जितने भी ये मॉल्स और हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि FAR के अंदर छूट तभी दी गई थी कि आप यहां पर पार्किंग की सुविधा देंगे। परंतु उसके बाद से लगातार मेरे पास शिकायतें आती रही कि यहां पर पार्किंग वसूली जा रही है। हम लोगों ने, मैं खुद अपनी कुछ काउंसलरों के साथ साकेत के अंदर सिलेक्ट सिटी मॉल और DLF मॉल के अंदर गया, वहां पर पार्किंग भी ली जा रही थी गैरकानूनी तरीके से, साथ ही साथ बेसमेंट के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, और वहां पर बहुत बड़े बड़े बाजार, मॉडर्न बाजार चलाए जा रहे थे जो कि गैरकानूनी है। और ऐसा एक ही मॉल्स के अंदर नहीं है, ये तमाम जितने भी दक्षिण दिल्ली नगर निगम के या दिल्ली के अंदर हम बात करें तो सभी मॉलों के अंदर इसी तरीके की पार्किंग वसूली जा रही है और इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज चलाई जा रही है। तो उसी के लिए हमने कमिश्नर को शिकायत भी दी, परंतु उसके बाद शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल सदन की बैठक थी और इस विषय पे मैंने स्पष्टीकरण मांगा मेयर साहब से और हमारे आयुक्त महोदय से कि आप इसके ऊपर बताएं, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर क्या माहौल पैदा हो रखा है। एक तरफ तो हमारा पब्लिक नोटिस ये कहता है और कोर्ट का आदेश 2018 के अंदर हाई कोर्ट का आदेश भी ये कहता है कि पार्किंग फ्री है, और दूसरी ओर वहां जाते हैं प्रैक्टिकली गाड़ी लेके तो वहां पर पार्किंग शुल्क देना पड़ता है। तो एक माहौल पब्लिक के अंदर ऐसा कायम हो चुका है, वहां पर पुलिस वालों के साथ झगड़ा, वो पार्किंग वालों के साथ झगड़ा होता है, आए दिन पुलिस कंप्लेंट हो रही है, मेरे पास शिकायतें आती है। उसके बाद भी दक्षिण दिल्ली नगर निगम के जो अधिकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इसको रोकने में नाकाम है। और एक दिन के अंदर लगभग 20 से 25 लाख रुपए की दिल्ली की जनता की जेब से पैसा वसूला जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनकी निगम अधिकारियों की जेब में जाता है। आपने कहा कि निगम आयुक्त से आपने जवाब मांगा था, क्या कुछ जवाब मांगा था और क्या कुछ जवाब मिला आपको? देखो, मैंने उनसे इसी चीज के ऊपर स्पष्टीकरण मांगा था। पहली चीज तो मैंने कंप्लेंट दी थी उनको कि इस तरीके से पार्किंग चलाई जा रही है। दूसरा, मैंने उनसे पूछा कि क्या बेसमेंट के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जा सकता है, अगर नहीं लिया जा सकता तो उसके ऊपर आपने दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने क्या कार्रवाई की। दूसरी चीज, मैंने क्या बेसमेंट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज अलाउड है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर दक्षिण दिल्ली नगर निगम क्या कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वहां पर ट्रेड का लाइसेंस भी MCD देती है, हेल्थ का लाइसेंस भी MCD देती है। आप चले जाओ कैमरा लेके अपना, जहां भी मॉल के अंदर जाओ, कोई मॉल आपको सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ये दोनों काम ना हो रहे हो।